नमस्कार जोहार, मैं चंदन भारती और तीसरी नज़र देख रहे हैं आप साथियों। आज हम आप सबों के बीच विकास से संबंधित एक जानकारी साझा करने के लिए आए हैं। दरअसल जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत गुमगी पंचायत के खिरोद गांव की जनता की सबसे बड़ी परेशानी अब शायद दूर होने वाली है। खिरोद गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली नारायणा नदी पर पुल निर्माण की अनुशंसा की गई है। जी हाँ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने यह अनुशंसा की है। आप सब जानते हैं कि खिरोद गांव में पुल नहीं होने के कारण वहां की जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खिरोद गांव के ग्रामीण लंबे समय से पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। बीते मार्च माह में तीसरी नजर की टीम ने भी इस मांग को गंभीरता से इस मांग को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खिड़किया मोड़ से खिरोद गांव तक 3 स्पेन के पुल निर्माण की अनुशंसा की है। हालांकि अनुशंसा के बाद ग्रामीणों ने बाबूलाल मरांडी को साधुवाद तो दिया, साथ ही यह भी कहा कि कहीं यह अनुशंसा 2024 के चुनाव के लिए लॉलीपॉप न साबित हो। हालांकि इसके अलावे कई और अनुशंसाएं भी की गई है, जिसे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। इसके अलावा गुमगी के रविदास टोला में थानसिन डी के नोनफोरवा में खरखरी के सती डी व जमामू मंदिर के बीच पुल निर्माण के साथ साथ गांवा के हरला और बरमसिया के बीच लिखर नदी और चोढ़ी नदी के बीच 2 पुल निर्माण की अनुशंसा की गई है। इसके अलावे धनवार के झारखंड धाम जाने वाली सैर नदी व मंझला डी नाला पर पुलिया निर्माण की भी अनुशंसा की गई है। ये सारी निर्माण अनुशंसाएं बाबूलाल मरांडी द्वारा किया गया है और उम्मीद है हमें कि इन अनुशंसा की गई इन सभी कार्यों पर जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो। धन्यवाद।